देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, 21 के अगर आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि 21 में डैम्ड ऑसिलेशन, हम लोग सॉरी एंगुलर एसेशन की तरफ जा रहे हैं। 20 सेंटीमीटर वाइड थीन सर्कुलर डिस्क है। वाइड बोला है तो आप समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये डिस्क है और ये डिस्क को एक मेटालिक वायर से ट्विस्ट, और इसको हम ट्विस्ट करना है, टर्न करना है, रोटेट करना है, ठीक है। ये आप मेरी वीडियोस देखिएगा, फिर से मैं बार बार आपको हर सम्स में ऐसे ही मुझे बोलना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि डायमीटर आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस निकालना है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर विल बी योर रेडियस। सेंटीमीटर वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब है 0.1 मीटर, ठीक है ना। ये और मास दिया है, मास है 200 ग्राम्स की मास है, तो 200 मास का मतलब 0.2 केजी हो गया। ये मास ऑफ दैट इज 1000 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद बाय होल्डिंग द रिम ऑफ द डिस्क द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड बाय 60 डिग्री। तो स्ट्रिंग को हमने थीटा दिया है 60 डिग्री। वी कैन नॉट राइट 60 डिग्री, वी कैन से दैट इज पाई बाय 3 रेडियन। तो पाई बाय 3 रेडियन हमने ट्विस्ट किया, तो टाइम पीरियड इज रिटन एज अ टाइम पीरियड जो है वो 1 सेकेंड का ये रोड ट्विस्ट कर रहा है। क्वेश्चन पूछा है, रिक्वायरमेंट इज फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस। तो हमें टॉर्क निकालना है, टाउ विच इज मैक्सिमम टॉर्क जो एक्ट कर रहा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये निकालेंगे कि एंगुलर स्पीड क्या थी, ओके। पहला काम स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि एंगुलर स्पीड आप कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो एंगुलर स्पीड ऑफ अ डिस्क, ओमेगा जो होता है वो स्टूडेंट्स 2π/T होता है। तो ओमेगा इज 2π एंड टाइम पीरियड एज इट इज गिवन एज 1 सेकेंड। फाइनली पता चला 2π रेडियन पर सेकेंड विल बी द टाइम पीरियड, ये हुआ ओमेगा। अब दूसरा पार्ट ये है कि मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डिस्क, एक्टिंग ऑन डिस्क तो टाउ, टाउ की बात करें तो आई अल्फा होता है, टाउ की बात करें तो सी थीटा होता है। अगर आप देखें, अगर हमारा एंगुलर एसएचएम वाली टॉपिक अगर आप रिपीट कर ले एक बार, तो आपको पता चल जाएगा आई अल्फा या ये होता है। तो आई अल्फा, अल्फा निकालना है व्हेन यू नो द ओमेगा। सो एज यू कैन सी हियर, सो टाउ मैक्स वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²/2, फर्स्ट लेसन से आया, मल्टीप्लाई बाय योर अल्फा। ये अल्फा हम लोग देख रहे हैं, फिलहाल इसके बारे में हम बाद में सोचते हैं स्टूडेंट्स, फिलहाल हम ये देख लेते हैं। सो अभी तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने जो टाउ मैक्स कैलकुलेट किया है, अब ये टाउ मैक्स का पार्ट यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम्स ये कि वी नीड टू गेट द वैल्यू फॉर अल्फ़ा, अल्फ़ा निकालना है। तो अल्फ़ा के डेफिनेशन में जाते हैं कि अल्फ़ा क्या है एग्जैक्टली, क्या है अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है इट इज़ अंडर रूट ऑफ एंगुलर, व्हाट इज अल्फा, सो अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये अल्फा होता है। देख बेसिक डेफिनेशन में है, वीडियो देखिए खुश रहेंगे हमेशा। सो टू गेट द वैल्यू फॉर अल्फा हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, सॉरी हाँ ये एक्चुअली आपकी ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा। सो ओमेगा विल बी, ओमेगा स्क्वायर विल बी योर अल्फा अपॉन थीटा। सो हैंस यू कैन गेट द वैल्यू फॉर अल्फा इन एज ए थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो द थीटा इज गिवन एज ए पाई बाय 3 स्टूडेंट्स, एंड द ओमेगा स्क्वायर इफ यू सी देयर यू विल गेट 2π का स्क्वायर जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स, जो कि बन जाएगा 4/3 पाई का क्यूब। और अगर आप लोग देखें बच्चों, तो आपको ये पता चलेगा पाई का क्यूब जो है ना, वो ऑलरेडी इन्होंने लिखा है 31 है। अब देखिए 31 एज्यूम करेंगे तो यहाँ 31 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है।
तो ये मिल गया आपको अल्फा की वैल्यू जो हम आगे यूज़ करेंगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि आपका टाउ मैक्स निकलना है तो टाउ मैक्स क्या होता है, टाउ मैक्स जो है एम आर स्क्वायर बाय टू, यही से हम कॉपी कर रहे हैं, एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा था। तो मास कितना दिया है, मास है 0.2, रेडियस है 0.1 का स्क्वायर अपॉन टू, ये बन जाएगा 0.1 का क्यूब स्टूडेंट, इंटू अल्फा कितना है तो 4/3 इंटू 31 है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा आपका 4/3 इंटू 31 करेंगे तो 4 × 124/3। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो 3 × 4 = 41.333 कंटिन्यू होगा इंटू 10^-3। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 0. कितना आएगा स्टूडेंट्स, अब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.04133 newton। दिस मच न्यूटन, दिस इज टाउ मैक्स, द टॉर्क दिस मच न्यूटन मीटर विल बी योर आंसर्स, 0.04133, दैट इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर्स एंड दिस इज वॉट वी गॉट द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमने अल्फा के डेफिनेशन से और एंगुलर SHM वाली जो पार्ट है वो आप मेरे वीडियो का देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सम्स। अब हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी कर लीजिएगा प्रीवियस सम्स को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 फिर से ये है एंगुलर SHM का ही है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय अ मैग्नेट vibrating in a plane of magnetic field is given to you, so we should write a magnetic field which is 1.6 × 10^-5 tesla, it's weber per meter square but मैं tesla लिख रहा हूँ। और पूछ रहा है magnet जो है, magnet की moment of inertia दी है वो है 3 × 10^-6 kg meter square, it's not upon, it must be kg multiply by meter square। ठीक है students, तो यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग ने म्यू से दिखाया है, म्यू है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा आपको ये सिंबल को लेकर के इश्यू हो सकता है, आपको पूछा फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड इन अ 1 मिनट, तो टाइम दिया है आपको 1 मिनट का, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स में कितना करेगा वो आपको बताना है, यानी आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड इन गे, तो फ्रीक्वेंसी बतानी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, तो पहले तो हम टाइम पीरियड लिखते हैं, तो सिंस हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट, टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट इज टी इज इक्वल्स टू 2π√i/ म्यू इंटू बी होता है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, सो फ्रीक्वेंसी विल बी 1/√μb/i हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड उल्टा होते हैं ना। अब इसी को आगे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये आएगा 1/ वैल्यू रख देते हैं तो 2 × 3.14, और म्यू जो है वो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी आपकी ये अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसकी वैल्यू 3 है, और कैपिटल बी इज गिवन टू यू, दैट वैल्यू इज गिवन एज अ 1.6 × 10^-5, दिस इज योर कैपिटल बी डिवाइडेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इफ यू सी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज फाउंड टू बी 3 × 10^-6, जिसमें आप देखेंगे स्टूडेंट अगर आप इसे सॉल्व करने जाऊं मैं तो 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा स्टूडेंट 2 × 3.14, हमें कुछ कैंसिलेशन नहीं करनी, हमको सिर्फ एज इट इज रखना है, ये ऊपर जाएगा तो 10^6 हो जाएगा और ये 5 में से 6 गया 10 आएगा तो ये 16 हो जाएगा पूरा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 4,
और अगर आप इसको कट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी विल बी 2/3.14 हर्ट्ज, मतलब ऑसिलेशन पर सेकेंड होगा। लेकिन क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि आपको बताना है एक मिनट में, तो एक मिनट में कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 120/3.14। ओके, आप ये लोग कर लीजिएगा, आप लोग दैट मच ऑसिलेशन इन वन मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी गॉट दिस आंसर। ओके, एंड दिस आंसर इज 120/3.14 ऑसिलेशंस पर मिनट। ओके, तो आप लोग प्लीज इसे कंटिन्यू कर लीजिएगा, ये पोर्शन मैंने आपको लिख के रखा है, डिवाइड करना है आपको। अंदाजा इतना तो अंदाजा दे देता, अगर 3 होता तो ये 40 आता, तो 40 से कम आएगा आंसर। तो ये तो ये है कि आंसर विल बी लेस देन 40 ऑसिलेशन पर मिनट, और आपको आंसर्स में भी दिया है 38 point something आया है, तो आप यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच आर आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप इसे कंप्लीट कीजिए, और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, पहले आप फर्स्ट आप इसको कंप्लीट कर लिए। जो है इसमें देखना है एक पिस्टन है, एक बॉडी जो है पिस्टन के ऊपर, वो इस तरीके से रखना है कि पिस्टन जो है वो अप एंड डाउन मोशन करे। मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये एक पिस्टन है और ये पिस्टन जो है ये मूव करेगा, अप एंड डाउन मोशंस करेगा, और उसके ऊपर एक बॉडी जो है, एक ब्लॉक जो है वो हम रखेंगे। सो वुडन ब्लॉक है, द ब्लॉक हैज मास नहीं दिया है, ब्लॉक का मास m है, इतना ही दिया है इन्होंने कि ब्लॉक का मास m है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इज 25 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर दिया है। रिक्वायरमेंट जो है इसके अंदर वो ये है कि पहला पार्ट इसके अंदर कैलकुलेट करना है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी अपॉन मास कितना होगा वो आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। कंडीशन अप्लाई ये है कि आपको पिस्टन छोड़ना नहीं है, यानी पिस्टन और ब्लॉक ऑफ मास दोनों साथ साथ मूव करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, सो लेट्स कैलकुलेट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सो एज यू नो दैट द टाइम पीरियड इज 2π अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, ये होता है, बट एज यू नो दैट k इज अ फोर्स कॉन्स्टेंट विच इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखिएगा। और आप सभी को मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एम्पलीट्यूड के बराबर हो रहा है, और एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर लिखा है, और यहाँ पे जो फोर्स है ये फोर्स एक्चुअली उसका वेट है, तो वेट में मैं mg लिखता हूँ, mg अपॉन, ठीक है स्टूडेंट्स, mg अपॉन x हो गया, तो ये हो गया आपका k का वैल्यू। तो mg अपॉन x कितना है, 25 सेंटीमीटर, जो कि मैं 0.25 लिखता हूँ मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, विच कैन बी रिटन एज अ 4 mg स्टूडेंट, क्योंकि ये 0.25 जो होता है एक्चुअली ये 1/4 होता है, तो 4 विल गो अप, विल बिकम 4 mg। ठीक है बच्चों, 4 mg न्यूटन पर मीटर, ये आपको मिला k की वैल्यू। अब आते हैं वापस से, हम कुछ इक्वेशन में आते हैं, तो क्योंकि टाइम पीरियड जो है t इज इक्वल्स टू, इट इज 2π अंडर रूट ऑफ मास है, मास को m लिखते हैं, और k की जगह पे लिखते हैं हम लोग 4 mg, जहाँ पे m और m कैंसिल करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी 2π डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ g स्टूडेंट। और एक चीज़ मैं आपको सभी को बता दूं कि पाई और रूट जी की वैल्यू बुक में लिखी है कि सेम है, तो पाई और रूट जी ये कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो टाइम पीरियड विल बी स्टूडेंट्स 1 सेकेंड। टाइम पीरियड अगर 1 सेकेंड आया तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1/1 ऑफ टाइम पीरियड होती है, तो 1/1 विल ऑल्सो कंसिडर्ड इज अ 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स,
सो दिस इज़ हाउ वी गॉट द फर्स्ट पार्ट. कितना ईजी था, कितना मज़ेदार था. सेकेंड पार्ट वी नीड टू गेट. देखिए यही सब ईजी इसलिए हुआ क्योंकि अपने को फोर्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई. सब फोर्स कॉन्स्टेंट ने किया. सेकेंड पार्ट है एनर्जी. सो आप सभी को मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स, सो एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ SHN इज, तो एनर्जी की बात करें तो यहाँ जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, वो होगी हाफ के ए स्क्वायर. और अभी आप लोगों ने बच्चों को बताया कि जो के की वैल्यू है, देखिए मैंने हाफ तो लिख दिया, के की जगह पे आपको पता है क्या लिखना है, एम्पलीट्यूड इज 0.25, तो मतलब 0.25 का स्क्वायर. तो एक काम करते हैं, 0.25 को मैं 1/4 लिखता हूँ, तो बेटर होगा 1/4, कैलकुलेशन पार्ट के लिए इजी हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है. अच्छा, के की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, अब देखिए के की वैल्यू कितनी लिखी है, 4 ng. तो मैं इसको डिफरेंट कलर का यूज़ करके लिख रहा हूँ, 4 ng स्टूडेंट. अगर अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यू विल गेट 1/2, दिस इज 4 ng मल्टीप्लाई बाय 1/16. और इस तरीके से आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा. अगर आप देखेंगे आपको एनर्जी और ये मास जो है ये आप लेफ्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एनर्जी अपॉन मास, विच कैन बी रिटन एज 4/32 × g, ठीक है स्टूडेंट्स. और g की वैल्यू बोला है इन्होंने 10 लेने के लिए, आपकी बुक में लिखा है 10, तो 40/32 बोला है. कट करेंगे आप 5 से, 8 से कट करेंगे तो 8 5 8 4 और आपका आंसर आएगा 1.25 joules per kg स्टूडेंट्स, ओके. तो ये हुआ आपका एनर्जी अपॉन मास, ओके स्टूडेंट्स. आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा. देखिए हम लोग इस सॉल्यूशन में भी आपको सबसे पहले ही यहाँ पे द फिज़िक्स लाइब्रेरी चैनल पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, भले ही आपके पास कोई स्टडी मटेरियल्स हो या ना हो. फिज़िक्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है. आपको और भी कोई क्वेश्चन के डाउट होंगे तो बेहिचक आप पूछेगा जरूर इस चैनल पे. इस चैनल पे हम लोग सारी फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट्स. तो मेरे सारे वीडियोस को एक बार वापस से रिपीट कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए इनको, अगर उन्हें फिजिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू नेक्स्ट टाइम.